मुझे थोड़ी देर में कॉल रोहित करना। पैमूला की माता जी, भाई नजीब की वालदा साहिबा, जुनैद साहब की वालदा साहिबा और इस आंदोलन के नेतागण और एकजुटता व्यक्त करने आए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके आंदोलन के साथ, आपकी मांगों के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। नजीब का मामला जब से हुआ, ये घटना वो लापता हुए उसी दिन से हम सब लोग उनके लिए फिक्रमंद हैं और अभी भी ये दुआ करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि नजीब वापस हमारे बीच में आए और अपने परिवार के घर वालों के बीच में पहुंचे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते। रोहित के बारे में और जुनैद के बारे में तो स्थिति स्पष्ट है, लेकिन नजीब के बारे में अभी भी हम पूरी उम्मीद हैं। साथियों, ये सब वाकये जो आए दिन हमारे देश में घट रहे हैं, उसका सबसे जो बुनियादी कारण है वो अभी एनी राजा भी बोलते हुए बता रही थी कि इस देश के अंदर सत्ता पर कुछ ऐसी ताकतें काबिज हैं जिनका चरित्र बुनियादी रूप से फासिस्ट चरित्र है और फासिस्टों की ये फितरत होती है कि वो अपने खिलाफ चाहे एक व्यक्ति की आवाज हो वो उसे बंद करना चाहते हैं, एक समूह की आवाज हो उसे बंद करना चाहते हैं, या किसी समुदाय की आवाज हो वो उसे बंद करना चाहते हैं। लेकिन फासिज्म की एक विशेषता ये भी है कि वो अपने उरूज पर जब होता है तो बड़ा खूंखार होता है, लेकिन उसका अंत निश्चित रूप से हार के रूप में होता है। ये भी फासिज्म की एक विशेषता है और मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के अंदर फासिस्ट चरित्र की ये सरकार जो आए दिन नए मसले हमारे और आपके सामने पेश करती है, जनता की बुनियादी समस्याओं से उनका ध्यान हटाने के लिए और अपने मालिकान की चाकरी करने के उद्देश्य से ये फासिस्टवादी सरकार आने वाले निकट भविष्य में निश्चित रूप से हारेगी और दोबारा सत्ता में आने के लिए शक्तियां तरस जाएंगी, ऐसा मुझे यकीन है। आप लोगों के आंदोलन की बदौलत मैं इस मौके पर कोई बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता। मैं इन माताओं को और जिन्होंने अपने घर के सदस्य खोए हैं उन परिवारों के प्रतिनिधियों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सलाम पेश करता हूं। और अब संसद का सत्र शुरू होने में थोड़े ही दिन बाकी हैं, हम निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि सब हम ख्याल लोग मिलकर के, एकजुट होकर के इस सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि तुम्हारी सीबीआई जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, नजीब के मोबाइल का लॉक भी नहीं खोल पाई, तो फिर इस सीबीआई को रखने का फायदा क्या है, ये हमें प्रधानमंत्री जी बताएं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने बड़े बड़े केस सॉल्व किए,
और आपका दावा है कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक हैं, तो नजीब को जमीन निगल गई या आसमान उठा करके ले गया, नजीब है कहाँ, उसके बारे में कोई सुराग सीबीआई क्यों नहीं लगा पाई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, संसद के अंदर मैं कहूंगा तो मुझ पर कोई अवमानना नहीं लगेगी, यहाँ कहने पर शायद लग सकती है कि हमारे देश की न्यायपालिका ये भी कई बार डबल रोल जैसा रोल अदा करती है। कभी तो हमें लगता है कि न्यायपालिका के चलते हुए हम बच गए, न्यायपालिका ने हमें सहारा दे दिया, और कई मामलों में न्यायपालिका का भी रुख इस किस्म का होता है कि वो मोदी जी की सरकार से चार कदम आगे जा करके अपनी एक चेहरा और शक्ल पेश करती है। तो ये सवाल विस्तार से मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो सत्र होगा संसद का, ये सर्दियों वाला विंटर सेशन, उसके अंदर ये सब सवालात मैं अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम हमारे हम ख्याल साथी जो दूसरी पार्टियों के हैं उनके साथ एकजुट होकर के इस सवाल को संसद में जेरे बहस लाया जाए। आपके आंदोलन के साथ, आपके मुहिम के साथ, आपकी मांगों के साथ हमारी पूरी एकजुटता है, पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।